मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि अर्णब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। न्याय के लिए और सच्चाई के लिए अर्णब गोस्वामी ने हमेशा से ही अपनी आवाज बुलंद करी है। अब जब भी कोई इंसान न्याय और सच्चाई के लिए आवाज उठाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके रास्ते में बहुतों द्वारा रोड़े भी डाले जाते हैं। अरे रोड़े डालने तक तो फिर भी चलता है, लेकिन आप सभी लोगों को याद रहे कि कुछ पॉलिटिशियंस तो अर्णब गोस्वामी को सुसाइड भी करवाना चाह रहे थे। तरह तरह के केसेस में फंसाकर किसी तरह से भी अर्णब गोस्वामी की आवाज़ बंद हो जाए, इसके लिए भी भरपूर प्रयास किए गए थे। अन्वय नायक केस, फेक टीआरपी केस, 1000 एफआईआर, पूरे के पूरे रिपब्लिक नेटवर्क के ऊपर 15 लोगों की गिरफ्तारियां और भी बहुत कुछ करा गया। अब इसी बीच में आप सबको पता होगा कि एक बहुत ही लंबे समय के बाद अर्णब गोस्वामी अपने चैनल पर कल के दिन लाइव आए थे और उन्होंने अपने नए चैनल की घोषणा भर ही करी थी कि आज एक बेहद बुरी खबर वापस से आ चुकी है। दरअसल फेक टीआरपी केस को लेकर ये एक बेहद ही बड़ी खबर आई है, जिससे अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आप सभी लोगों को याद रहे कि मुंबई पुलिस ने फेक टीआरपी केस में अपनी एफआईआर रजिस्टर करी थी, और तो और एक्स पुलिस कमिश्नर यानी कि परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके ये बात बताई थी कि इस पूरे घोटाले में रिपब्लिक टीवी का नाम टॉप लिस्ट पर है। और उसी के बाद आप सबको भी पता है कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां मुंबई पुलिस द्वारा हर आए दिन करी जा रही थी। बार के एक्स सीईओ पार्थो दास गुप्ता समेत टोटल 15 लोगों की अरेस्ट अब तक मुंबई पुलिस कर चुकी है। और जो बहुत बड़ी खबर आई है कि मुंबई पुलिस ने अभी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ यानी कि अर्णब गोस्वामी को भी इस बार इस फेक टीआरपी केस में आरोपी बना दिया है। और तो और मुंबई पुलिस ने मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दायर की अपनी 1800 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अर्णब गोस्वामी और एआरजी मीडिया जो कि रिपब्लिक नेटवर्क के ओनर हैं, वहां से भी 4 अन्य लोगों को आरोपी बना दिया गया है। मतलब एक चीज़ तो साफ है कि भले ही परमबीर सिंह के हाथों से मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद चला गया है, लेकिन अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें आज की डेट में भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी आगे देखना होगा कि अर्णब गोस्वामी अपने बचाव में क्या कदम उठाते हैं। तो ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट जो मैंने आप सबको बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।